हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 3D का जो हमने करा था ना। 3D के कुछ न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं अबाउट किसमें, रोटेशन पे। तो अब देखो, रोटेशन का जो हमने पीछे 2D में जो करा था, तो 2D में भी हमने एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में करा था रोटेशन। हमने एक मैट्रिक्स बनाई थी। इसमें क्या हो जाता है, जब हम 3D करते हैं तो एक हो जाता है हमारा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो जाता है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में होता है और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में होता है। तो सेम वही मेथड है। मैं एक की मैट्रिक्स लिख देती हूँ आपके, तो यहाँ पर हमारी कैसे आ जाएगा, ये कॉस थीटा माइनस जेड साइन थीटा, जेड वाई साइन थीटा प्लस जेड कॉस थीटा। अब इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1 0 0 0, देन 0 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, 0 देन साइन थीटा, सॉरी 0 साइन थीटा कॉस थीटा, 0 0 0 0 1। ये हमारे पास में मैट्रिक्स आ गई, ठीक है, किसकी, अबाउट एक्स एक्सिस। ऐसे ही हम वाई की भी निकाल लेंगे, ऐसे ही हम जेड की भी निकाल लेंगे। जो 2D में था सेम वैसे ही मेथड करके इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा है। देखो, इसमें हमने पैरेललोपाइप्ड लिया है जिसकी साइड्स हमारे को दे रखी हैं। अब इसमें हमारे को रोटेशन परफॉर्म करना है। रोटेशन किस पे करना है, -90 डिग्री और +90 डिग्री। -90 डिग्री अबाउट एक्स एक्सिस और +90 डिग्री है अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, पैरेललोपाइप्ड हम कैसे बनाते हैं, इस तरह से। ये हमारा एक पैरेललोपाइप बन गया यहां से ये। अब देखो, इसमें 1 दिया है, ये 2 दिया है, ये 3 दिया है। यहाँ से इसके नेम दे लेते हैं कुछ भी हम, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। इनकी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। जैसे अगर सपोज मैं ए की वैल्यू निकालूंगी तो यहाँ पर क्या है, जेड है ना, ये तो क्या आ जाएगा, 0 0 1, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई है तो ये क्या आएगा, 0 0 0, क्योंकि तीनों ही 0 है। इस तरह से हम सब सबके निकाल लेते हैं, 8 के 8 पॉइंट्स के, और उसको फिर मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं। तो मैट्रिक्स हमारी क्या आ जाएगी, ये 3 2 1 1, सबके पॉइंट्स निकालने हैं, है ना। आप सबका कैलकुलेट करके इसको निकालना, इसमें 0 2 1 1, बस जहां पे जिसका डिस्टेंस है उसे कंसीडर कर लेंगे, बाकी जो 0 है उसे 0 रख देंगे। 3 2 0 1, 0 2 0 1, ये तो हमारी पैरेललोपाइप का मैट्रिक्स आ गया। दैट मींस कि ये हमारी आ गई ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स। अब हम रोटेशन की मैट्रिक्स देखते हैं। अब देखो, इसमें जो रोटेशन निकालना है वो निकालना है अबाउट एक्स एक्सिस। किस पे निकालना है, -90 डिग्री। तो अबाउट एक्स एक्सिस में तो हमारी यही मैट्रिक्स कंसीडर होनी है, तो इसमें हम थीटा की जगह क्या करते हैं, -90 डिग्री रख देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आया हमारा 0 कॉस -90 डिग्री, देन -sin 90 डिग्री, देन 0, फिर 0 sin 90 डिग्री, देन cos 90 डिग्री, देन 0 0 0 0 1। अब देखो, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हम आगे लिख लेते हैं कि इसकी क्या वैल्यू आ रही है। इसको जो सॉल्व करके, ये जो रोटेशन की जो आया ना हमारा, रोटेशन को सॉल्व करके हमारे पास में वैल्यू आई 1 0 0 0, देन 0 0 1 0, 0 -1 0 0 0 0 1, ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। अब ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स हमारा कौन सी थी, जो पैरेललोपाइप की थी। हम क्या करते हैं, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जो हमारे को ट्रांसफॉर्मेशन निकालना होता है उसमें हम ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन किससे करते हैं, चाहे ट्रांसलेशन हो, रोटेशन हो, रिफ्लेक्शन हो, जो भी हमारी हम कर रहे हैं उससे हम इसको, यानी ए इक्वल टू बी टी, बी टी बी क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स, और टी हमारा ट्रांसलेशन, तो हमारे को इसके बाद आउटपुट आ जाएगा। तो अब हम इसमें कर देंगे, नाउ 0 0 1 1 3 0 1 1 3 2 1 1 0 2 1 1 0, पूरी मैट्रिक्स लिखनी है, ठीक है, जो भी मैट्रिक्स है वो लिख लेना। और ये हमारी है रोटेशन की मैट्रिक्स, ये 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 1। अब यहां से हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके
जो आउटपुट आएगा वो हमारा एक्चुअल आफ्टर आफ्टर रोटेशन उसकी मैट्रिक्स आ जाएगी। ये हमारी मैट्रिक्स आ गई, इसके बाद में जो भी वैल्यू आ रही है ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इसके आप 8 पॉइंट्स निकाल लेना। अब इसमें जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो इसमें इसमें क्या करना है हमारे को, अब प्लस 90 डिग्री है और रोटेशन किसका है, अबाउट वाई एक्सेस। तो अब हमारे को वाई एक्सेस के रिस्पेक्ट में देखना है कि क्या करना पड़ेगा हमारे को। देखो यहाँ से हम वाई एक्सेस के लिए अब वो मैट्रिक्स देखनी पड़ेगी कि वाई एक्सेस की मैट्रिक्स क्या होती है रोटेशन के लिए। तो रोटेशन के लिए वाई एक्सेस की जो मैट्रिक्स होती है ना वो हमारी होती है ये, देखो ये हो जाएगी हमारी कॉस थीटा 0, साइन थीटा 0, 0, 1, 0, 0, माइनस साइन थीटा, देन 0, कॉस थीटा एंड 0, 0, 0, 0, 1। ये हमारी आगे थीटा की जगह हमने क्या रखना है, 90 डिग्री। जब हमने 90 डिग्री रख दिया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये मैट्रिक्स हमारी आ गई यहाँ पर, ये माइनस 1, 0, 0, 0, देन 0001, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स पैरेललोपाइप्ड हमारा क्या है कि 0, 0, 1, 1, 3, 0, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 0001, 3, 0, 0, 1, 3, 2, 0, 1, 0, 2, 0, 1। और यहाँ से रोटेशन की मैट्रिक्स ये वाली 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, माइनस 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1। अब इसका जो भी मल्टीप्लीकेशन है वो हमारा आ जाएगा उसका आंसर, कि आफ्टर रोटेशन हमारी वो मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। इसमें वैसे मैंने एक, देखो एक न्यूमेरिकल और लिया है, वो हम देख और देख लेते हैं। वो एक्चुअली मैंने लिया है रिफ्लेक्शन का। देखो रिफ्लेक्शन में इसमें क्या करना है, परफॉर्म करना है रिफ्लेक्शन ऑफ क्यूब, है ना, यूनिट क्यूब लिया है और अबाउट एक्स एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। अब हमारे को देखो जो हमने रोटेशन हमने पीछे पढ़ा भी है ना, जब हमने 2D पढ़ा था तो उसमें रोटेशन भी पढ़ा था। तो अब इसी तरह से हमारा जो 3D होता है ना, 3D की भी रोटेशन की अलग अलग मैट्रिक्स होती है कि अबाउट एक्स एक्सिस मैट्रिक्स, अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट जेड एक्सिस। जैसे एक्स एक्सिस की मैं लिखती हूँ मैट्रिक्स, वो क्या होती है हमारी, वो हो जाती है हमारी माइनस 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, माइनस 1, 0, 0, 0, 0, 1, ठीक है, ये हमारी हो जाती है। इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं, सॉरी ये हो जाती है हमारी y एक्सिस की मैट्रिक्स होती है, ऐसे ही हम निकाल लेते हैं x की भी निकालते हैं, ऐसे ही हम z की भी निकालते हैं, और ऐसे ही हम ना प्लेन की भी निकालते हैं। एक्स वाई प्लेन की क्या मैट्रिक्स आ जाती है हमारी, एक्स वाई प्लेन की हो जाती है ये मैट्रिक्स हो जाती है आपका 1, 0, 0, 0, 0, माइनस 1, 0, 0, 0, 0, 1, ये हमारी इसकी मैट्रिक्स आ गई। अब देखो इसमें क्या करना था हमारे को, ये यूनिट क्यूब का दिया हुआ था, हमने किसका पूछा है, यानी ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स हमारी यूनिट क्यूब है और एक्स वाई प्लेन पे हमारे को निकालना है। तो अब देखो हम कैसे करेंगे कि यूनिट क्यूब का देख लेते हैं, क्योंकि यूनिट क्यूब सेम वैसे ही बनेगा कि जैसे हमने इसमें बनाया था ना अभी पैरेललोपाइप, ऐसे ही हम यूनिट क्यूब के लिए बना लेते हैं। कि देखो जहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारा एक तरह से क्यूब बना और ये यूनिट क्यूब है, तो सारी साइड क्या हो जाएगी इसकी 1 1 1। अब यहाँ से हम हर पॉइंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये सब सबका निकाल सकते हैं, ये ए बी सी डी, ये आ जाएगा हमारा ई एफ जी एच, ठीक है। अब सबकी हमने निकाल ली और यहाँ से हम ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स में यानी इसका यूनिट क्यूब की क्या आ जाएगी मैट्रिक्स, ये 1 0 1 1, ये आई 0 1 1 0001, देन 1 0 0 1, फिर 1 1 0 1। 8 पॉइंट्स की निकालनी है सबका, जैसे हमने पीछे करा था वही करना है। अब उसके बाद देखो एक्स वाई प्लेन पे हमारे को रिफ्लेक्शन की मैट्रिक्स कंसीडर करनी है। अभी बताइए कौन सी मैट्रिक्स होती है हमारी, 1 0 0 0, 0 1 0 0,
जीरो जीरो माइनस वन जीरो एंड ट्रिपल जीरो वन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये हमारी है ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स और ये है हमारी रिफ्लेक्शन की मैट्रिक्स, वही आ जाएगा ए इक्वल टू बी टी। यहाँ पर जो आता है चाहे रिफ्लेक्शन हो, रोटेशन हो, ट्रांसलेशन हो, है ना, शेयरिंग हो, कुछ भी हो वो, और ये आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अब जो आंसर आएगा हमारा वही एक्चुअल आंसर होगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारी ये मैट्रिक्स बनेगी, यानी उसकी इमेज को ड्रॉ करके दिखा देंगे कि क्या इमेज बन रहा है हमारा। यहाँ से ये आ गया जीरो 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 वन, वन जीरो जीरो वन, वन वन जीरो वन, जीरो वन जीरो वन, ये आपका आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारा आ गया। तो फाइनल कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आ गए, देखो फाइनल कोऑर्डिनेट्स आ गए जीरो जीरो माइनस वन, वन जीरो माइनस वन, वन वन माइनस वन, जीरो वन माइनस वन, यानी एट पॉइंट्स, ये वाले ये जो है वो एट पॉइंट्स है हमारे, ये फाइनल कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।